दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक अहम निर्णय में कहा है कि परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में हो तो दूसरे किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की खंडपीठ ने हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों के आधार पर यह फैसला दिया। इसी के साथ कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति दिलाने का आग्रह करने वाली अपील खारिज कर दी। शहडोल जिले के गोरतरा निवासी अश्वनी कुमार पांडे की ओर से यह अपील दायर की गई। कोर्ट को बताया गया कि अपीलार्थी के पिता पुलिसकर्मी थे, कार्यरत रहते हुए उनके निधन के उपरांत अश्वनी ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए विभाग को आवेदन दिया, लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने याचिका निरस्त कर दी। इसी आदेश को अपील के जरिए चुनौती दी गई। तर्क दिया गया कि अपीलार्थी अपनी मां के साथ रहता है और उसके भरण पोषण देखभाल के लिए उसे अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उप महाअधिवक्ता विवेक शर्मा ने कोर्ट को बताया कि अपीलार्थी का भाई छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन कर्मी है।